तो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले रेडी होते हैं। रेडी होने के लिए मैंने ट्रांजिशन यूज किया है जिसका मैंने नाम रखा है 4 घंटा ट्रांजिशन। और अभी हम रेडी होंगे चुटकी में। What's up people, this is Anand, welcome back to my YouTube channel Happy Vlog। स्वागत है आप सभी। आज का वीडियो होगा Q&A। आज हम करेंगे Q&A और Q&A आपके सवाल, कुछ क्वेश्चन लिए गए इंस्टाग्राम से, कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं हमारे पहले वाले यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स में। तो ये छोटा छोटा सा जो आपका सवाल मेरी जवाब जो होगा उसको शुरुआत करते हैं, उसको प्रारंभ ऐसा। ओके, ये क्वेश्चन लिया गया है यूट्यूब के कॉमेंट्स से। तो प्रतीक गुलहारनी जी गुनानी जी पूछते जिसने पूछा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपके पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है आपको यूज करना चाहिए हिमालयन BS6। फन टू राइड है, टूरिंग बाइक है, सिटी में भी यूज कर सकते हो, कंफर्टेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा 390 के मुकाबले, और इजी टू मेंटेन है। 390 इज नॉट एन इजी टू मेंटेन, और BS6 390 पर्सनल मुझे नहीं पसंद, तो यू कैन गो फॉर हिमालयन BS6। ओके, द सेकंड क्वेश्चन लिया गया है YouTube से, ये भी प्रथमेश माने, भाई कॉलेज यूज और लॉन्ग राइड के लिए कौन सी बाइक अच्छी है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल दिया मैंने, प्राइस अच्छा है, मेंटेन कर सकते हो अच्छे से, सब कुछ अच्छा है हिमालयन, और आपको मुझे लगता है कॉलेज के लिए भी तो मुझे और राइड होना चाहिए, तो यू कैन गो फॉर एनी बाइक। पल्सर में NS है, मुझे लगता है नेकेड, क्योंकि नेकेड लॉन्ग टूर में अच्छा है। फेयरिंग के लिए यू कैन नॉट गो फॉर फेयरिंग, बिकॉज फेयरिंग कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग टूर के लिए। तो नेकेड में आप कोई भी जा सकते हो, KTM की ड्यूक सीरीज 250 200 390 अकॉर्डिंग टू योर बजट, हिमालयन बुलेट दोनों अच्छी, कॉलेज के लिए भी अच्छी है। और KTM फैन यू कैन गो फॉर KTM ड्यूक 390, KTM ड्यूक 250, KTM ड्यूक 200, क्योंकि मेरे को पर्सनल KTM पसंद है। और KTM के अलावा कोई आप और बाइक में जाना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर रॉयल एनफील्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया इंस्टाग्राम से, its_virendra_pearls। तो साहब ने पूछा है, वैसे ये हमारे दोस्त है, इनको जान पहचान है, हमें बहुत अच्छे तारीफ भी करते हैं। तो भाई उन्होंने पूछा, आपने आपकी ड्यूक 390 कैसे ली, ब्रैकेट योर ड्रीम बाइक ब्रैकेट। ओके, मेरी ड्रीम, मैंने जो ड्यूक 390 ली है उसमें कोई इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं है कि मैंने जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और लिया, नहीं, मेरे को मेरे डैड ने दिलाई है, मेरे को मेरे ड्रीम, बट छोटी स्टोरी है, सुनना पसंद करोगे तो मैं सुनाता हूँ आपको, या तो आप स्किप कर सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, मैं एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, उसके लाइफ में आए कुछ दोस्त जिनने उसको बाइक चलाना सिखाया, प्यार करना सिखाया, बाइक क्या होती है, बाइक की वैल्यू सिखाई, बाइक से क्या अलग चीज़ फील होता है हमें, वो मुझे उसका मतलब बताया। तब से मैं बाइक का फैन हो गया, मेरे को भी बाइक चाहिए थी और मैं कंफ्यूज था, KTM का फैन बन गया था। KTM ड्यूक 200 ऑलरेडी ग्रुप में थी, तो मुझे ड्यूक सीरीज पसंद थी, RC सीरीज बिल्कुल नहीं पसंद थी, और मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो एक दिन मैं हाईवे पे जा रहा था, मेरे को ये ना एक बाइक जाते हुए दिखी, उस पे लिखा था KTM ड्यूक 390, पहली नज़र में प्यार हो गया। दो साल पहले से, जब 2017 में ये लॉन्च हुई तब से लेके 2019 तक दिन रात इसी के सपने देखना। मुझे टारगेट मिला क्या कि अपने एग्जामिनेशन में 80% लाना है, मैंने वो टारगेट को पूरा किया और बाइक मुझे मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओमकर सबने इक्वली सपोर्ट किया है, एक मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सेकंड चीज फैमिली ने सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, और ऐसे कुछ सपोर्ट ही बहुत बड़ी बात है कि मेरे को करने को अलाव मिल रहा है, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी और मेरे को अलाव है कि तू कर सकता है, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। आप घर में भी सपोर्ट हो जाते, जैसे कि अब मैं पीछे किसी से शूट करा रहा हूँ, कोई फैमिली का मेंबर ही है, तो ऐसे फैमिली का सपोर्ट मिलता है, कुछ फ्रेंड्स के सपोर्ट मिलते हैं, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट वो रहते हैं कि वीडियो बनाते, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो दोस्तों से जाकर शाउट आउट देते हैं, लोगों से सब्सक्राइब कराते हैं, और आप लोग जो व्यू दे रहे हो सबने मतलब इक्वली सपोर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम से, आर भूमि ने पूछा है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, प्लीज बी ऑनेस्ट। नो, सच में हाँ नहीं है। ऑलमोस्ट एक साल हो गया, अभी मेरा एज
16 है तो 15 हुआ रहेगा तो 16 हुआ रहेगा, तो मतलब 15 16 में मैंने ब्लॉगिंग करना चालू कर दी थी। बट जो ऑफिशियल अनऑफिशियल ब्लॉगिंग में करता था, मैं 12 साल की उम्र से ब्लॉगिंग करता था, जैसे कि खुद से बात करना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करता था क्योंकि मेरे को आदत थी स्किन केयर चैनल्स और एनिमल चैनल में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं तब करता था, वो सब चीज़ें देखता था। फिर कभी मैं नहाता रहूँगा तो मैं अपने से बात करता रहूँगा, यो दिस इज अ प्रोडक्ट आई एम यूजिंग राइट नाउ, ऐसा मेरे को पता नहीं था उसको ब्लॉगिंग बोलते, बट तब से मेरे को ये आदत थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है _its_adi_ जो ऑफिशियली मैंने ब्लॉगिंग चालू की है, ऐसे तो मैंने चैनल को अप्रैल में चालू कर दिया था, बट मैंने ऑफिशियली ब्लॉगिंग बोले तो रेगुलर एक एक हफ्ते में एक ब्लॉग दिसंबर से चालू किया था, मेरे को दिसंबर से अभी तक मैं बोल सकता कि मेरा 1K हुआ है। मैं ये टिप्स देना चाहता हूँ आपसे, मेरे को नहीं लगता ये सही है, मैंने इसको फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं फॉलो किया, आप लापरवाही बोल सकते हैं, बट मैं आपको ये टिप्स दे सकता हूँ कि आप इसको फॉलो करो। पहली बात, 1K सब्सक्राइबर जब आप ये मत सोचो कि फट से हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग में रखो, बस बी रेगुलर। आप जब भी रोज डेली ब्लॉग करते हो तो डेली डालो, दो दिन पर डालो दो दिन पर डालो, हफ्ते में एक बार डालते हो तो हफ्ते में एक बार डालो डालो, एक रेगुलर टाइम बनाओ और ट्राई कि आप थोड़ा सा कॉन्टेंट दिखाओ, साथ ही साथ अपने ही मतलब जो जो आप नॉर्मल भी करते हो वो भी उसके अंदर डालो, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1K के बाद जब आपके पास कंटेंट नहीं है, जब आप डेली लॉगिन करोगे तो पब्लिक को पसंद ना आए और आपकी व्यूज़ गिर जाए, तो आप घर में भी कुछ शूट करते हो तो उसमें भी वो 1K सब्सक्राइबर में उसको भी दिखाओ, बाहर की कुछ मेन मेन मुद्दे भी जाओ, ट्रैवल ट्राई करो 1K में थोड़ा ज़्यादा करो, क्योंकि आपको बेस बनाना है और 1K इज़ द बिग अचीवमेंट। उतना मत करो कि फटफट हो जाए, होगा क्योंकि आपको ये टाइम पे बेस बनाना है, ऐसा नहीं कि फटफट 1K कर लिया लेकिन उसके बाद फिर व्यूज़ ना आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए स्लोली स्लोली होने दो उसको। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन Rishabh.1214 ने पूछा, थैंक यू ऋषभ क्वेश्चन पूछने के लिए, भाई आप रोस्ट वीडियो बनाते, बहुत मजा आएगा आपकी रोस्टिंग देख के। रोस्टिंग ऐसा है कि मैंने कुछ सोचा नहीं था जब मैंने किया वो वीडियो, मैं गुस्सा था, हर एक यूट्यूबर्स ने उसको कहीं पे ट्वीट किया, कोई इंस्टाग्राम पे डाल के, बट हर किसी ने एक इनडायरेक्टली उस रोस्ट किया टिकटॉकर को, तो मैंने सोचा कि नया नया टॉपिक है, वॉच टाइम तो व्यूज आए अच्छे खासे, वॉच टाइम बहुत अच्छा आया, बट मेरे को जो बोलना था मैंने वो वीडियो में बोला, और बहुत टाइम से वो गुस्सा, अभी नहीं कि वो लोग ने बोला तब वो गुस्सा आया, बहुत टाइम से हुआ। और रोस्टिंग तो कोई ऐसा कुछ मुद्दा मुद्दा बीच में आया तो कर लेंगे, वैसे रोस्टिंग सोचेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू वॉचिंग दिस Q&A सेशन, ऐसे Q&A हम और भी करेंगे, नेक्स्ट Q&A करेंगे हम 3000 सब्सक्राइबर पे, नेक्स्ट Q&A करेंगे, 1000 पे मैंने सोच के रखा लेकिन 3000 सब्सक्राइबर पे हम नेक्स्ट Q&A करेंगे। आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो अभी डाल दो, मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ और उसको जब Q&A करना रहेगा, हाँ तो नेक्स्ट जब Q&A करना रहेगा तो उस पार्ट को मैं ले लूंगा। थैंक यू, खुश रहो, बाय। कैमरा रोल एंड एक्शन। ओके।